फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल पे अगर ऐसा ब्लू टिक अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक शेयर करने वाला हूं जिस ट्रिक को आप अप्लाई करके यहां पे अपने फेसबुक पेज हो गया या फेसबुक प्रोफाइल हो गया उस पे आप ब्लू टिक लगवा सकते हो। डेफिनेटली लग जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें अप्लाई करके लाइव दिखाने वाला हूं एंड यहां पे आप लोगों से बताने वाला हूं कि कैसे आप उस टिक को अप्लाई कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो ब्लू टिक जो है, वेरीफाइड टिक जो है, ये सिर्फ बड़े बड़े क्रिएटर्स हो गए या जिसका फॉलोवर्स ज्यादा होता है उसको ही ब्लू टिक वेरीफाई करता है फेसबुक। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे आप खुद अपने फेसबुक पेज हो गया, प्रोफाइल हो गया, उस पर वेरीफाइड टिक लगा सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रूफ शेयर कर देता हूँ कैसे इसको अप्लाई करना, वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए, मैंने खुद यहाँ पे अप्लाई किया है। यहाँ पे दो घंटे पहले यहाँ पे रिस्पांस आया, आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जो फेसबुक की तरफ से यहाँ पे आया है कि आपका रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो चुका है। यहाँ पे देख लीजिए, योर रिक्वेस्ट हैज बीन ए प्रोफाइल पेज एंड फेसबुक पेज एंड प्रोफाइल वेरीफाई, जो इसका मैंने अप्लाई किया था वो सबमिट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो आपका जो रिप्ले आता है फेसबुक की तरफ से, जो रिप्ले आता है कि आपका जो प्रोफाइल पेज है या आपका मेन प्रोफाइल है वो वेरीफाई किया जाएगा नहीं किया जाएगा, कम से कम 30 दिन के अंदर। आप लोगों सामने यहां पे देख लीजिए, मैं यहां पे लाइव शेयर कर रहा हूं एंड यहां पे देख लीजिए मेरा जो स्टेटस है यहां पे आप लोगों सामने यहां पे दिख रहा है कि अभी यहां पे जो एग्री है यहां पे एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है, आप लोगों सामने यहां पे लाइव दिख जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैसे आप इसे अप्लाई कर पाओगे। एंड कम से कम 30 दिन का टाइम लगता है, 30 दिन के बाद ही आपका यहां पे वेरीफाई का जो टिक रहेगा, वेरीफाई का टिक आपका लगेगा या नहीं लगेगा डिसीजन लिया जाता है। 30 डेज के बाद ही आपको यहां पे आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले तो अप्लाई करने के लिए आपको अपने पेज पे आना है। पेज पे आने के बाद यहां पे हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हेल्प एंड सेंटर पे, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पे आपको सर्च बार मिल जाएगा, यहां पे सर्च करना है वेरीफाई। आपको यहां पे वेरीफाई जैसे आप थोड़ा सा ही सर्च करोगे तो यहां पे देख लीजिए वेरिफिकेशन एंड यहां पे आपको मिल जाएगा बैच का, उस पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पे क्लिक करते हो तो यहां पे देख लीजिए हाउ डू आई रिक्वेस्ट वेरीफाई बेस्ड ऑन फेसबुक, यहां पे आपको दिख जाएगा। इस पे आपको फर्स्ट पे ही क्लिक करना है। पेज पे अगर आप पेज पे करना चाहते हो तो नीचे पेज का ऑप्शन था, आप उस पे भी कर सकते थे। लेकिन यहां पे देख लीजिए जैसे आप इस पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद जैसे यहां पे स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा हाउ डू आई रिक्वेस्ट ए वेरीफाई पेज, इस पे आपको क्लिक करना है। यहां पे देख लीजिए यू कैन सबमिट रिक्वेस्ट बाय फिलिंग आउट यहां पे कॉन्टेक्ट फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो यहां पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पे आप अपना पेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो या अदरवाइज आप सिंपल सा अपने प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे अगर आपका पेज है तो पेज पे यहां पे क्लिक कीजिए ऊपर में, एंड आपका अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल है तो प्रोफाइल वेरीफाई करना चाहते हो तो प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पे अपना प्रोफाइल का यहां पे जो आपका नाम रहता है, लिंक रहता है, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे आप लिंक पेस्ट नहीं कर सकते, आपको लिंक लिखना पड़ेगा। एज लाइक जैसे कि मेरा यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, जो मेरा यहाँ पे पेज का जो मेरा प्रोफाइल का लिंक है मैं आपको यहाँ पे सबमिट करके यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे http एंड उसके बाद यहाँ पे आपको .// www.facebook, यहाँ पे आपको वही लिखना है facebook.com। मैं यहाँ पे देख लीजिए अभी तो मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखा, फिर उसके बाद आपका इसके आगे से आपका प्रोफाइल का नाम आ जाएगा जो आपका प्रोफाइल का लिंक है। तो मैं यहाँ पे अपना प्रोफाइल का लिंक लिख लेता हूँ DEUX, यहाँ पे DEUXV रोज आलम एंड 786, ये मेरा यहाँ पे हो गया प्रोफाइल का। आप लोगों के सामने मैंने अपना लिंक लिख दिया। इस तरह आप अपना प्रोफाइल का लिंक लिख सकते हो। आपको लास्ट में भी बताऊंगा आपका प्रोफाइल का लिंक कहाँ पे मिलेगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है आपका किस कैटेगरी में आपका ये जो फेसबुक आईडी है वो किस कैटेगरी में आता है। तो मैं यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर के नाम पे यहाँ पे करता हूँ। उसके बाद विच कंट्री इज दिस, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कौन से कंट्री से आप हो, तो यहाँ पे अपना इंडिया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए प्लीज अटैच ए फोटो योर आईडी, यहां पे आपको अपना वोटर आईडी कार्ड या नहीं तो आधार कार्ड आपको एक यहां पे फोटो देना पड़ेगा। तो चलिए हम अटैच कर लेते हैं, सिंपल से इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है एंड यहां पे क्लिक करना है। आपने अपने कैमरे में जो भी अपना फोटो अटैच कर फोटो क्लिक करके रखा होगा वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहां पे अपना आधार कार्ड का फोटो यहां पे क्लिक कर रखा है, यहां पे मैंने सबमिट कर लिया। एंड उसके बाद जैसे आप सबमिट करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप यहां पे लिख सकते हो, यहां पे राइट, यहां पे कुछ डाल सकते हो कि आप अपना वेरीफाई जो
जो वेरीफाई टिक मार्क है वो किस वजह से यहाँ पे लेना चाहते हो, किस लिए ले रहे हो, आप यहाँ पे कुछ वर्ड यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो, नीचे का भी ऑप्शन है आप स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सेंड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका जो वेरीफाई का जो वेरीफाई यहाँ पे आपको टिक मार्क मिलेगा ब्लू टिक मार्क वो हो जाएगा। मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने सबमिट कर दिया, आप लोग को यहाँ पे प्रूफ दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट मैंने लिया था। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे मेरा ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग फेसबुक एंड दी मैच रीच आउट इफ योर यहाँ पे नीड मोर इन्फॉर्मेशन। मैंने यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट करोगे कुछ इस तरह का लिख के आएगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया था। तो अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपका जो प्रोफाइल का लिंक रहेगा वो कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको अपने यहाँ पे मेन आईडी पे आना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अपने नेम के आईडी पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे थ्री डॉट मिलेगा, थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए योर प्रोफाइल लिंक का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देख लीजिए https यहाँ पे आपको दिख गया /www.facebook.com यहाँ पे /, आपका यहाँ पे आगे का जो दिखेगा ना वही आपका मेन फेसबुक प्रोफाइल का लिंक रहेगा। आप चाहो यहाँ से कॉपी कर सकते हो या अदरवाइज आप जाके किसी को लिख भी सकते हो, इजी तरीके से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए एंड चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में वीडियो डालेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे।